और बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, तो सभी को देखनी चाहिए। कोई प्रोपोगंडा नहीं है इसमें, बस ग्राउंड रियलिटी बताई काश्मीर है। पुलवामा आई मीन सारे अटैक दिखाए गए नो, तो आपको कैसा लगा एक इतिहास में जो घटना घटी हो उससे आप एक फिल्म हाँ, ये तो बनाते बहुत हैं? रीसेंट हिस्ट्री है और हमने तभी भी न्यूज़ पे सब देखा था, तो और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके बहुत अच्छा लगा। यामी यामी गौतम के कैरेक्टर कैसा लगा आपको? उन्हीं का मेन कैरेक्टर है, एक्टिंग काफ़ी अच्छी करी है उन्होंने। ओवरऑल मूवी को कितना स्टार देना चाहेंगे आप? 3.5 to 4। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। पिक्चर अच्छी लगी, पिक्चर अच्छी बनी है। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो इरादा था कि पब्लिक को शिक्षित करें 370 के लिए, उसमें वो पूरी तरह कामयाब है। बात करें तो 370 एक ऐसा एक्ट है जिसे लागू करने के लिए बहुत कुछ कश्मीर ने सुना है, तो वो सब घटनाएं फिल्मों में दिखाई गई? हाँ, पूरी तरह से दिखाई। 370 हटाने से पहले वो लोग क्या क्या किए और हम लोग को कितना रोके और हम लोग नहीं हटा सके। बीच में भी ये कलम आई थी हटाने के लिए, लेकिन वो लोग फेल हो गए थे। इस बार जब पूरी मीटिंग हुई और गवर्नमेंट में और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री ने फैसला किया कि ये तो बहुत ही ज्यादतियाँ हो गई है, इसको हटाना ही है, और उन्होंने बहुत चेष्टा करके ये हटाई। फर्स्ट और सेकेंड आप कौन सा सबसे ज़्यादा इंगेजिंग रहा? फर्स्ट हाफ में थोड़ा इंटरटेनमेंट, मारपीट, ये वो सब दिखाते हैं। सेकेंड हाफ में खाली पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, उसका रूल्स वो सब बताते हैं। यामी गौतम गौतम फीस में एक एजेंट का किरदार प्ले कर रही थी, हाँ, उनका वेरी नाइस NI एजेंट लगती है, और उसने जो फाइटिंग वाइटिंग का सीन किया है बहुत अच्छा किया है, बंदूक भी बहुत अच्छा चलाती है। ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को देखिए, मैंने हमारी सरकार क्या कर रही है ये घर बैठे तो पता चलेगा नहीं, और इतना विस्तृत विवरण पिक्चर द्वारा ही पता चलता है, तो सबको देखना चाहिए और समझना चाहिए। कितना स्टार देना चाहेंगे इसको? 5 में से 4 दूंगा। थैंक यू सर, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल फिल्म को कितना स्टार देना चाहेंगे? 5 out of 5। कश्मीर के बारे में क्या कुछ आपको देखने को मिला? कश्मीर में पहले की परिस्थितियाँ कैसी थी, आफ्टर 370 ये करने के बाद कैसी है ये आज पता चला, और पहले 370 के पहले भी कैसी थी ये भी, इसका हमको कोई अंदाज़ा नहीं था। सिर्फ हम टीवी पे देखते हैं, आज भी सुनते हैं, सिर्फ सुनने से मिसगाइड बहुत हो जाते हैं। आज सही में पता चला कि क्या हो गया था एक्चुअल में, कैसे लोग सहन कर रहे थे, कैसे टेररिज्म था, हमारे ही पॉलिटिशियंस उनको कैसे मिले हुए थे, ये सब आज पता चलता है। 5 out of 5। 370 आर्टिकल 370 फिल्म देख रहा है और मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी है, और बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि नो वेस्टेज ऑफ टाइम है। कट टू कट शुरू होती है, कट टू कट खत्म होती है, पूरी स्टोरी लाइन जो है मुद्दे को पकड़ के चलती है, और फिल्म को इजीली समझाने के लिए थोड़े चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो ऑडियंस के लिए समझना भी आसान होगा। और फिल्म जो है आदित्य धर ने लिखी हुई है, जिन्होंने पहले उरी बनाई थी। इस फिल्म को आदित्य सुहास जांबड़े जो है उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, निर्देशक है, उनका डायरेक्शन बहुत शानदार है। ओवरऑल जो फिल्म है वो आपको हिट करती है, टॉपिक जो है सेंसिटिव है, बहुत सालों से इसके बारे में हम बात करते हुए आ रहे हैं। उस चीज़ को फिल्म के माध्यम से बड़े पर्दे पर किसी ने दिखाने की हिम्मत की है, पहली बात उसे सलाम करता हूँ। सेकेंडली, फिल्म इतनी अच्छी बनाई है तो डबल सलाम, बहुत अच्छी फिल्म लगी। इस फिल्म में जैसा मैंने कहा कि इस फिल्म में कोई ऐसी कहानी तो है नहीं कि जहाँ पे मन से डाल दिया हो, ये जो एक पूरी जो वाक्य है, जो घटनाक्रम है, उस चीज़ को कैसे साल बाय साल, महीने बाय महीने कैसे एक उसको बांध के जो जोड़ी बनाई है, अपनी माला बनाई है आपकी स्टोरी की, वही दिखाया गया है। पुलवामा भी जो दिखाया गया है, देखिए पुलवामा एक बहुत ही बेहद दर्दनीय हादसा था भारत की डिफेंस की हिस्ट्री में, और उस चीज़ का हमने बदला भी लिया फिर बाद में, और उस चीज़ को भी इस फिल्म में शामिल किया गया है, वो देख के अच्छा भी लगा, और जो पुराने जो हमारे इमोशंस थे वो भी जागे हैं। और उसके बाद जब हमें पता चलता है कि 370 हटता है और कैसे उस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा, वो जानकर भी बहुत अच्छा। देखिए ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि आप भले ही किसी भी प्रकार की राजनीतिक सोच या विचारधारा रखते हो, पर ये एक ऐसा मुद्दा है, तो देश का मुद्दा है ना, तो आपको आकर इस फिल्म को डेफिनेटली देखना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि 370 के पहले क्या हालत थी कश्मीर में, अब क्या हो चुकी है, और किस तरीके से, किस सोच के साथ इस चीज़ को पूरा अंजाम दिया गया है, और इसमें कितने लोगों की मेहनत लगती है, और इस चीज़ से आगे क्या हो सकता है भारत के लिए बेहतरी, वो भी आपको इस फिल्म चीज़ को कितने स्टार देना चाहेंगे? 4 स्टार। थैंक यू।